हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं, नहीं है तो आदर डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज ये SST जो रीड एंड पास का सीरीज चल रहा था, उसका ये सातवां वीडियो है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया है और जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो बने रहिए। जैसा कि पिछला 100 वीडियो जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे, आपको पता होगा कि कैसा क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप उतना वीडियो कंप्लीट कर ले रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका SST में ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाने वाला है। आज हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो प्राकृतिक संसाधन एक्चुअली क्या था, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में 1968 में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, कन्वेंशन रखा गया था। देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे संसाधनों का दोहन बढ़ते जा रहा है और लोग इस तरीका से दोहन करते जा रहे हैं जिसके जो असर है वो प्रकृति पर पड़ रहा है, ठीक है ना। उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, सही ढंग से उसको यूज करें ताकि फ्यूचर्स में, तो उसके लिए कन्वेंशन रखा गया था अफ्रीका में, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है ना। तो इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बदल भी देगा कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1968 में। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट याद रखिएगा, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं थोड़ा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात किया जाए तो 5 जून को मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कितने जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाएगा। देखिए अब अगर हम दिवस की बात करें तो मैट्रिक क्लास वाले 4 गो दिवस हमेशा याद रखिएगा, इसी 4 गो दिवस बड़ी फेमस है, हमेशा आते रहता है, बात समझे कि नहीं। एक तो हो जाएगा आपका पर्यावरण दिवस, ठीक है ना, एक हो जाता है महिला दिवस, महिला दिवस, एक हो जाता है आपको मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, और एक जो है आपका महिला दिवस 8 मार्च देखिएगा, मजदूर दिवस 1 मई देखिएगा। और इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, महिला दिवस, मजदूर दिवस, उपभोक्ता दिवस की बात किया जाएगा, उपभोक्ता दिवस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे भाई। उपभोक्ता दिवस में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, ठीक है ना, 15 मार्च। ये 4 गो याद रखना, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना, 10th के एग्जाम के लिए 4 गो में आपका काम क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। जब कहेगा कहाँ हुआ था, याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका में ये रियो डी जेनेरियो, सॉरी रियो डी जेनेरियो तो ब्राजील का है, ब्राजील का है, सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गया, ये ब्राजील का होगा, ठीक है ना। न्यूयॉर्क और जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका का। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, यहीं पे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, बात समझे कि नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा जो हुआ था 5 साल के बाद 1997 में हुआ था, ठीक है ना, और तीसरा हुआ था 2002 में हुआ था, बात समझे कि नहीं, 2002 में जोहान्सबर्ग में और 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुतों बार आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। जब हम कहेंगे अनवीकरणीय, इसका मतलब वैसा संसाधन जो फिर से नया तुरंत नहीं बन सकता है, नया तो बनता है लेकिन जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। तो जिस चीज़ को बनने में या जिस चीज़ के उत्पत्ति में हमारा, हम उसको देख नहीं सकते हैं, या फिर हमारे समय में या फिर हमारे जीवन के रहते वो चीज़ उत्पत्ति नहीं हो उस चीज़ का, तो फिर उसके उत्पत्ति का कोई तो वैल्यू मेरे लिए तो होगा ही नहीं। इसीलिए दिमाग में रखिएगा अनवीकरणीय का मतलब जिसका फिर से नया होना संभव नहीं है, ठीक है ना, यानी होगा भी तो लाखों करोड़ों समय लगेगा। तो पहला देखिए सौर ऊर्जा, ये तो
असीमित है, बात समझे कि नहीं। जैसे सौर ऊर्जा किससे उत्पादित किया जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा, तो सूर्य के प्रकाश से। तो ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला, इसका भंडार असीमित है, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। आज जितना यूज करेंगे फिर उतना कल क्या होगा, वहां पे भरा रहेगा। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तो क्या आंसर हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन जो है ना, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, बात समझे कि नहीं। इसका स्टॉक क्या है? लिमिटेड है, और ये अगर हम यूज करेंगे तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। कोई भी चीज़ समाप्त कब हो जाता है? जिसका सप्लाई कम हो, यूज ज़्यादा हो। वही बात है कि जब कहेंगे जीवाश्म ईंधन, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका बनने की प्रक्रिया बहुत कम है, मतलब बहुत धीमा है। तो जब हम यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका स्टॉक मतलब कि एक तरह से फिल नहीं हो पाएगा, पुनः भर नहीं पाएगा। जो यूज करे और पुनः भर जाए तो वो कभी समाप्ति नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। और ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। बात समझे कि नहीं? ये सब जितना यूज करेंगे तुरंत बन जाएगा, ये इसके बनने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। आज जब धीमी प्रक्रिया होगी तो क्या होगी, वो चीज़ स्टॉक समाप्त हो जाएगा। बात समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, सोपानी कृषि कहाँ है? तो कि सोपानी कृषि उत्तराखंड में, याद रखिएगा सोपानी कृषि कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो है अधिक सिंचाई है। इसका मुख्य भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब, जब भूमि की जो है उर्वरता कम हो जाती है, भूमि की जो फीचर्स कम जब हो जाएगी उसकी, एक तरह से मान लीजिए कि मुख्य भूमि का फीचर्स क्या होगा, उसकी उर्वरता, ठीक है ना। उर्वरता जब कम हो जाएगी तो उसे भूमि निम्नकरण कहेंगे। और जब पंजाब क्या है, एक अगर कृषि के क्षेत्र में देखिएगा तो बहुत बड़ा, बहुत ही डेवलप राज्य है, वहाँ पर इतना ज़्यादा सिंचाई होता है जिसकी वजह से मिट्टी की जो है ना क्वालिटी, हमेशा सिंचाई होगा ज़्यादा, उसमें फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप लोग, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी, ठीक है ना, रेगड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, करें क्या, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को एंड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये राजस्थान सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है? अगर लंबा बांध की बात किया जाए तो याद रखिएगा हीराकुंड। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड है। और इससे रिलेटेड दो बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा कहेगा, सबसे लंबा कहेगा तो हीराकुंड बांध है, और ये किस नदी पर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, सबसे बड़ा कहेगा तो भांगड़ा नांगल याद रखिएगा, ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चंस दोनों बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना। तो ये किस नदी पर है? महानदी पर है। ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करेगा, गोविंद सागर कृत्रिम जो जलाशय है, ये गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है, ये दिमाग में रखिएगा। ये भांखड़ा नागल के, देखिए जब भी कोई डैम बनाया जाता है ना, जब भी कोई डैम बनाया जाएगा या बांध बनाया जाएगा तो वहाँ पर पानी को रोका जाता है। तो पानी जो रोका जाएगा तो उस डैम के पीछे क्या हो जाएगा, एक जलाशय निर्मित हो जाता है स्वतः, ठीक है ना। तो उस समय कृत्रिम जलाशय कहते हैं, ठीक है ना, यानी खुद से मानव निर्मित। तो ये भांखड़ा नागल के पीछे उसी बांध पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की उपलब्धता होती है, यानी मात्रा होती है? तो 65%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से? तो नर्मदा घाटी जब भी आएगा तो गुजरात देखिए किस ऑप्शन में है, बस मार दीजिए, ठीक है ना। गुजरात जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ठीक है।
ऑप्शन इसी तरह आएगा, ऐसा नहीं कि गुजरात और में भी मिला देगा, ठीक है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एक जगह जो तीनों है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि गुजरात बिहार वाला में देता, गुजरात और बिहार एक जगह तो है नहीं, तो कहाँ से संभव हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिएगा, एक जगह पर गुजरात राज्य और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है ना। इसलिए गुजरात वाला टिक करके मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांध को भारत का मंदिर कहा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर आ गया ना, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर होगा, महानदी पर होगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, महानदी पर। और भांखड़ा नांगल किस पर होगा, सतलज नदी पर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखिएगा, आर्सेनिक का, आर्सेनिक। बिहार में जो है आर्सेनिक, जल में जो है आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके वजह से क्या हो जाता है, देखिएगा बिहार में लोगों को सबसे ज़्यादा चर्म रोग हो जाता है, खुजली उजली सब हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न राज्यों में से किसे, किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा वन है अगर, सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में। इसे बाघों का देश भी कहा जाता है, बाघों का राज्य, बोलो बाघों का राज्य, ठीक है ना, बाघों का राज्य। कान्हा नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है ना, जो बाघों के लिए बड़ी फेमस है, एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी की बात किया जाएगा तो वे कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। करेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर की बात करेगा तो गुजरात में, गिर की बात करेगा तो कहाँ होगा, गुजरात में होगा, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। करेगा क्या कि भारत का राष्ट्रीय, सॉरी भारत का कान्हा पार्क कहाँ पे है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, अभी जस्ट हम बात किए, शेर के लिए ये प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, सॉरी शेर नहीं होगा यहाँ, बाघ होगा। बाघ और शेर में क्यों अंतर नहीं समझ आता है, ठीक है ना। यहाँ पर बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए उपलब्ध प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। करेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। करेगा आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को, याद रखिए चरक को, चरक संहिता इनकी बुक भी थी, ठीक है ना, संहिता इनका बुक भी है, चरक संहिता, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करेगा क्या निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अवरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अवरक के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, लगभग चार बार पाँच बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, जब कहेगा लौह अयस्क उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, लेकिन भंडार कहेगा तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जो आया है आपको उत्पादन कह रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो उद्योग की जननी लोहा को कहा जाता है, लोहा को। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाएगा। क्यों लोहा को कहा जाएगा? क्योंकि लोहा जो है एक ऐसा धातु है जिससे क्या होता है, बहुत सारे मशीनरीज का निर्माण होता है, बहुत सारे चीज़ों का निर्माण होता है, इसलिए उसको जननी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कर रहा है। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जिंक से। पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जिंक से, याद रखिएगा पिताजी। पीतल जो होगा तांबा और जिंक से बनाया जाएगा, ठीक है ना, तांबा और जिंक से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक टन इस्पात बनाने में मैंगनीज का कितना उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम यूज किया जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। बॉक्साइट का उपयोग, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने की बात अगर किया जाएगा तो बॉक्साइट का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बॉक्साइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ था? तो जल विद्युत संयंत्र की बात किया जाए तो असम के दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? असम के दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? असम के दार्जिलिंग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है।
करें कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात अगर किया जाए तो तारापुर याद रखिएगा, तारापुर में याद गया, और ये सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, ठीक है ना, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो याद रखिएगा जादूगोड़ा झारखंड, यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य जादूगोड़ा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास के लिए सर्वाधिक संभावना, सौर ऊर्जा के विकास के लिए बात किया जाए तो राजस्थान हो जाएगा, सौर ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, राजस्थान के हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ पे होगा? अब याद रखिए उड़ीसा में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन होगा? सर्वोत्तम कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट। कहेगा भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन पाया जाता है? तो बिटुमिनस, ठीक है ना, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। लेकिन सब बिटुमिनस को हम लोग कुकिंग कोयला भी कहते हैं, बिटुमिनस को हम लोग क्या कहेंगे, कुकिंग कोयला, कुकिंग कोल, कुकिंग कोयला भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है बिटुमिनस का यूज किया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा यही वाला कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया था? तो असम के डिगबोई में किया गया था भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? अभी जस्ट हम बात किए हैं परमाणु शक्ति केंद्र की बात किया जाए तो तारापुर है, ठीक है ना, और पहला स्थापित किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, खनिज तेल, चूना पत्थर, कोयला, यूरेनियम, खनिज तेल के साथ, प्राकृतिक गैस की बात किया जाएगा तो खनिज तेल के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस, अभी जस्ट हम लोग बात किए ना, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है और उसका यूज भी सबसे ज़्यादा किया जाता है, बिटुमिनस को कुकिंग कोयला भी कहा जाता है, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो प्राचीनतम की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा रानीगंज, प्राचीनतम कोयले के खान कौन सा है? तो रानीगंज है, रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है? अच्छा, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? जब हम कहेंगे खरीफ फसल तो यहाँ पर देखो कितने बार लड़का सब कंफ्यूजन में पड़ जाता है खरीफ फसल और रबी फसल में, ठीक है ना। तो सबसे पहला याद रखना कि इस चारों ऑप्शन को देखो, ठीक है ना, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गेहूं है, तिलहन है, जौ है और धान है। देखो धान जो होता है, आप बड़ा सिंपल, अभी के पीरियड में क्या है, ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में आप देखिए गेहूं का फसल होता है, उसी समय तिलहन का फसल भी होता है, उसी समय रबी फसल, मतलब जो गांव के होंगे उनको पता होगा रबी फसल तुरंत बोलते हैं जिसको होता है, आपको देखिएगा तिलहन हो गया या फिर दलहन का पौधा होता है जब फसल होता है उसी को रबी फसल भी कहा जाता है। तो नाम से ही पता चल जाता है रबी फसल। तो जिस समय भी ये ठंडी के मौसम में होगा गेहूं बोया जाता है उसी समय क्या होता है आप देखिएगा तिलहनी पौधा भी बोया जाएगा, फसल बोया जाता है, दलहनी फसल भी बोया जाता है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो गेहूं है, तिलहन है और जौ है, तो जौ कहीं ना कहीं गेहूं से मिलता जुलता फसल है, ठीक है ना। तो ये तीनों तो एक जैसा है, तो बचा कौन? धान। तो धान मार देंगे खरीफ फसल में। अब बाकी तीनों कौन सा फसल है? रबी फसल है। बाकी तीनों कौन सा फसल है? रबी फसल है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आप लोग क्या बैठा करके आपको रखना है, दिमाग में आपको यही बैठा करके रखना है कि जो खरीफ फसल रबी फसल पूछे ना, तो आप वहां पे क्या कीजिए, ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन देखने के बाद वहां पर चीजों को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, तो वहां गलती कम होगा, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन तो हर किसी को हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है ना, एक प्रकार का जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था, आप देखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, आप उस समय देखिएगा एग्रीकल्चर में हुआ था ये, ठीक है ना, हरित क्रांति। तो वो जो हरित क्रांति हुआ था वो कृषि क्षेत्र में हुआ था। उसी तरह देखिएगा अगर आप गुजरात में, तो एक क्रांति हुआ था दूध के, मतलब कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, डेयरी को प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या हुआ था, डेयरी, यहाँ पर डेयरी होगा, डेयरी, डेयरी का मतलब होता है दूध, दूध के उत्पादन करने वाला जगह, ठीक है ना। तो इसके विकास के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका मुख्य प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए माने जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डेयरी के विकास के लिए, दूध उत्पादन के, दूध उत्पादन के विकास हेतु, विकास हेतु, क्लियर।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, धान एक प्रकार का क्या है, धान धान का एक प्रकार है, तो सभी एक धान का ही प्रकार है, सभी क्या है, एक धान का ही प्रकार है, सभी अमन एक प्रकार है, ओस भी इसका प्रजाति है, बोरो इसका प्रजाति है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका एक प्रजाति होता है, ठीक है ना, अलग अलग नस्ल के हर तरह जितना बीज होता है ना सब अलग अलग नस्ल का होता है, तो उसी में ये अलग अलग नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, फिर से आ गया खरीफ फसल, तो वहाँ धान था यहाँ चावल हो गया, वहाँ धान था यहाँ चावल हो गया, गेहूँ सरसों मटर ये सभी एक ही प्रजाति का एक ही मौसम में बोने बोया जाने वाला है, तो चावल ही नहीं एक अलग मौसम का हो गया, तो देखो ऑप्शन दे करके मार दो, टिक कर दो, ज़्यादा दिमाग का पानी में कोई फायदा नहीं है, जहाँ ऑप्शन देख से मार तो मार ले, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सोपानी कृषि, सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो उत्तराखंड में, सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं, राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में, राउरकेला लौह इस्पात कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, कागज चीनी मिल खिलौना उद्योग, सबसे छोटे पैमाने यानी छोटा उद्योग किसे, तो खिलौना उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, चल राजा भाई आजा आजा, करेगा निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग की बात किया जाएगी, वो कौन सा उद्योग है जहां से जो मटेरियल निकलता है वो डायरेक्ट लोगों के पास उपयोग करने के लिए जाएगा, खाने पीने के लिए जाएगा, तो यहां पर पेट्रो लॉ चित्ररंजन लोग क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग क्या हो जाएगा, ये उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से, तो याद रखिएगा रूस के सहायता से, बोकारो इस्पात संयंत्र जो हुआ था वो रूस के सहायता से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि विश्व की प्रथम पेपर मिल स्थापित किया गया था, तो जर्मनी में, विश्व के प्रथम पेपर मिल कहाँ, जर्मनी में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझते हैं, सिल्कन शहर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु में क्या है, सिल्कन सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्कन सिटी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है, नेपानगर हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, अखबारी कागज के लिए नेपानगर बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, चूना पत्थर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो कहलगांव की अगर बात किया जाएगा तो याद रखिएगा भागलपुर, कहलगांव कहाँ पे है, भागलपुर में, भागलपुर में, और अथी के बात किया जाएगा मुजफ्फरपुर में, तो कांटी एक जिला है, मुजफ्फरपुर जिला में कांटी में क्या है, ये विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना का वहाँ पे स्थापित किया गया हुआ है, ठीक है ना, तो अभी तो इस कहलगांव की बात करेगा तो भागलपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है कि कांटी तापी परियोजना आ गया ना, कांटी तापी विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, कह रहा है क्या, पाइराइट खनिज है, अधात्विक खनिज है, पाइराइट कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझ लेते हैं, मानचित्र नीले रंग द्वारा किस भाग को, नीले रंग द्वारा किस भाग को अपनाया जाए, दिखाया जाता है, तो जल के, किसको दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है, किसको दिखाया जाएगा, जल को दिखाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको पटना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, पटना में। जनसंख्या घनत्व का मतलब कि कम जगह में कितना ज़्यादा आदमी रहते हैं, ठीक है ना, तो जहाँ पे मैंने एक किलोमीटर में जो टोटल लोगों की संख्या होगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि जो सिटी ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, तो बिहार में पटना सिटी सबसे ज़्यादा डेवलप है, इसलिए पटना का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या है कि बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई क्या है, 62-83, याद रखिएगा 62-83, याद रखिएगा बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 62-83, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में, एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, मुंगेर में पड़ता है जमालपुर, ठीक है ना, मुंगेर जिला में। बिहार में रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग का मतलब होता है रस्सी से चलने वाला, ठीक है ना, तो जब राजगीर में जाइएगा तो वहां पर चढ़ने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राजगीर, भाई साहब क्या मिल जाएगा, राजगीर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं,
कह रहा है क्या कि बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, प्राचीनतम कहेगा तो सोन याद रखिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किसमें किया जाता है, तो आप याद रखिएगा रोहतास में किया जाता है, किसमें किया जाता है, रोहतास में किया जाता है। नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, यानी हम पानी जब खेतों में सिंचाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा नहरों में किया जाता है, वो रोहतास जिला में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कांवर झील किस जिला में उपस्थित है। कांवर झील की बात अगर किया जाए तो कांवर झील की बात किया जाए तो बेगूसराय, कांवर झील की बात किया जाएगा तो कहाँ होगा, बेगूसराय में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं, कह रहे हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो 7%। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है क्या संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो ये पटना में है, ठीक है ना, कहाँ पे है, पटना में। संजय गांधी राष्ट्रीय जो है जैविक उद्यान जो हम लोग कहते हैं चिड़ियाघर, वो कहाँ पे है, तो आप देखिए पटना में। निम्नलिखित नदियों में से किस बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाएगा मेरे भाई, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जो होगा जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बिहार में कौन सी मृदा ज़्यादा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गंडक परियोजना कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा वाल्मीकि नगर में क्या होगा, गंडक परियोजना होगा, वाल्मीकि नगर में क्या हो जाएगा, गंडक परियोजना, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। जब हम अमरकंटक की बात करेंगे तो याद रखिए कोसी नदी, अमरकंटक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है ना, कोसी नदी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समझते हैं, देखिए कह रहा है क्या पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जब पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर कहा जाएगा तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा, हाजीपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कहेगा कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये सबसे छोटा मुख्यालय है, ठीक है ना। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय सबसे छोटा मुख्यालय है, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय डाक विभाग का जो स्थापना हुआ था मेरे भाई 1854 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, अगर कहेगा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन, तो 1986 याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, 1986 याद रखिएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण की अगर बात किया जाए तो वो हुआ था भाई साहब 1953 ईस्वी में, कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ऑल इंडिया रेलवे का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था, याद रखिएगा 1957 ईस्वी में, कब रखा गया था, तो 1957 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम निर्यात सर्वोदय क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कांडला गुजरात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ था, अभी जस्ट बात किए थे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, नई दिल्ली में हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा मेघालय। कौन सा राज्य में रेल मार्ग यानी रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ पर रेलवे नहीं चलता, रेल रोड नहीं चलता है, तो मेघालय, ठीक है ना। इतना ज़्यादा वहाँ पर पहाड़ी वाला इलाका है कि वहाँ पर संभव ही नहीं है बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समझते हैं, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर किधर गया, मुंगेर वाला भाई लोग देख लीजिए, ठीक है ना, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे होगा, गुजरात, किधर गया भाई, जस्ट अभी हम लोग बात किए गुजरात, ठीक है ना। कांडला कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुर्मू गांव की बात अगर किया जाए तो गोवा में हो जाएगा। मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ पे होगा, आपको गोवा में।